पार्षद एकता संघर्ष समिति के बैनर तले 5 सूत्रीय मांग को लेकर गैर भाजपा दलों के पार्षदों ने बुधवार को नगर निगम से पैदल मार्च निकाला और मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन अपर आयुक्त को सौंपा। प्रदर्शन का नेतृत्व पार्षद दल के नेता जियाउल इस्लाम ने किया। पार्षदों का कहना था कि नगर निगम बोर्ड का गठन हुए 1.5 वर्ष हो चुके हैं, परंतु विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है। इसके कारण महानगर वासियों को परेशानी हो रही है। महानगर के 70 वार्डों की अधिकतर सड़कें नाली जर्जर हो चुकी हैं। पार्षदों के प्रस्ताव वरीयता का कार्य प्रत्येक वार्ड में 40-40 लाख रुपए का कराया जाए, सफाई व्यवस्था पुरानी पद्धति कराया जाए और अंदरूनी वार्ड में अस्थायी सफाई कर्मचारी लगाया जाए तथा वार्ड में ठेके पर कार्य कराया जाए। नगर निगम के अधिकारियों की कमीशन खोरी बंद हो, पेयजल के संकट दूर किए जाए, जल निकासी की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पार्षदों का कहना था कि अगर इन सभी मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो नगर निगम या मंडलायुक्त कार्यालय के समक्ष डेरा डालो घेरा डालो कार्यक्रम करेंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पार्षद दल के नेता जियाउल इस्लाम ने कहा, गठन मगर केवल फर्जी धन का अभाव दिखा करके नगर आयुक्त जो है वार्डों का विकास पूरी तरह से ठप हो गया है। यहाँ तक कि सड़कें जो मोहल्लों की गलियों की है पूरी टूट गई है, जबकि 14वां वित्त में और स्थापना में 61 करोड़ रुपया है। हम लोग की मांग केवल इतनी है कि 40-40 लाख रुपया जो है वो प्रत्येक वार्ड में विकास काम का मंजूर करके वो काम कराया जाए ताकि शहर का चौमुखी विकास हो सके। 3 दिन से गोरखपुर महानगर का कूड़ा डिस्पोजल ही नहीं हो पा रहा है। सारी टालियां स्टोर में खड़ी हुई है, कूड़ा लाद के खड़ी हुई है। अगर आप चाहिए तो जाके मौके पर इसको देख भी सकते हैं। और नगर आयुक्त और समकक्ष अधिकारी हुए हैं केवल एसी में बैठ करके आनंद ले रहे हैं और गोरखपुर की जनता और जनप्रतिनिधि समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसलिए मैं आप लोग के पास आया हूँ कि आपको भी अवगत करा दिया जाए, नहीं तो हम लोग बोर्ड में सारे प्रस्ताव पारित कर देते हैं मगर पारित होने के बाद उस पर कोई अमल नगर आयुक्त द्वारा नहीं किया जा रहा है। और ये समस्या केवल पार्षदों की नहीं है, गोरखपुर के 12 लाख की आवाम की समस्या हो चुकी है। इसलिए इसको गंभीरतापूर्वक बुला के कमिश्नर से आसाम पर मीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमारे विधिक पदाधिकारी वही हैं, कमिश्नर ही हमारा विधिक पदाधिकारी है। उनके संज्ञान में लाना हम लोग की जरूरी था, इसलिए हम लोग संज्ञान में लाए हैं। अगर हम लोग काम नहीं हुआ तो हम लोग अपने अपने वार्ड से 5-5 सौ आदमी लेके और यहीं पे घेरा डालो डेरा डालो अभियान चला करके हम अपने आंदोलन को तेज करने का काम के सामने से बात कर लेते सर, पर्सनल इंटरव्यू लेके बात करिए, बात कर ले तुरंत जो है जो कर सको तत्काल करे, जिसमें सर देखिए ठीक ठीक सर। हम लोग 1.5 वर्ष हो गए बोर्ड का गठन हुए मगर गोरखपुर महानगर का विकास पूरी तरह से बाधित हो गया है। महापौर पूरी तरह से फेल हो चुका है और नगर आयुक्त और उनके समकक्ष अधिकारी तानाशाह रवैया अपना रहे हैं। केवल धन का अभाव दिखा करके गोरखपुर के विकास काम को रोकने का काम किया जा रहा है, जबकि 61 करोड़ रुपया अभी स्थापना और 14वां वित्त में बचा हुआ है और शहर की नालियाँ सड़कें सब टूट चुकी हैं अधिकतर सड़कें। और आज 3 दिन हो गया गोरखपुर शहर के अंदर कूड़े का डिस्पोजल नहीं हुआ, जबकि 1.55 करोड़ रुपया पर माह सफाई के नाम पर खर्च हो रहा है और आपको सफाई गोरखपुर की व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और नगर स्वास्थ्य अधिकारी रस्तोगी इसमें भ्रष्टाचार में पूरी तरह से लिप्त हो चुका है और लगातार केवल कमीशन खोरी पर नगर निगम चल रहा है। अधिकारी द्वारा जो जनप्रतिनिधि हैं उनका अपमान किया जा रहा है, उनके अधिकारों का हनन किया जा रहा है। आज हम सभी पार्षद चाहे समाजवादी पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी को हो, चाहे निर्दल पार्षद हो, सारे पार्षद आज महा एक प्रदर्शन करने का काम किए हैं कि हम लोग के शहर का विकास हो, गोरखपुर की सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए। हम अगर मांग हम लोग की नहीं मानी तो हम लोग
यहाँ पर कमिश्नर आवास में चाहे नगर निगम गोरखपुर परिसर के अंदर घेरा डालो और डेरा डालो डाल करके संघर्ष को और तेज करने का काम करेंगे और गोरखपुर के चौमुखी विकास में संघर्ष करने का काम करेंगे। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अपने सरकार के दबाव में नहीं बोल पा रहे हैं, वो भी बहुत उपेक्षित अपने को महसूस कर रहे हैं। हम लोगों के पार्षदों के बीच में बातचीत होती है, वो कहते हैं कि हम अपने संगठन के पटल पर मामला उठाते हैं, मगर अधिकारी के लापरवाही से, सरकार की लापरवाही से आज हम लोग का भी काम नहीं हो पा रहा। मगर भारतीय जनता पार्टी के लोग खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। अगर नहीं आ रहे कोई बात नहीं, मगर हम सारे पार्षद साथी जो आज आंदोलन करने आए हैं 17 वार्डों की मांग लेके आए हैं। मेयर से भी कोई बात हुई है? देखिए मेयर साहब तानाशाही, मेयर कोई बात करने को तैयार नहीं है। मेयर डिक्टेटरशिप, उसको समझ में नहीं आ रहा है। 2 साल के बाद यही पार्षद के खिलाफ अविश्वास जब प्रस्ताव लाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा कि पार्षद का कानूनी अधिकार और संवैधानिक अधिकार क्या होता है, उनको समझ में आ जाएगा।